जय गुरु। 22 अक्टूबर 1942 सुरेंद्र श्री श्री ठाकुर जी से पूछ रहे, जैसे जब किसी व्यक्ति से मेरी मुलाकात हो तो उस समय मुझे उसके साथ कैसे वार्तालाप आरंभ करना चाहिए। श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं, ऐसा कोई बंधा हुआ रास्ता नहीं है जो उस पर चलने से काम होगा। क्षेत्र कर्म विधि आते, अर्थात क्षेत्र अनुसार कर्म का रास्ता चुनना चाहिए। जिसके साथ जैसा उसके साथ वैसा, स्थान काल पात्र की विवेचना कर जहाँ जैसा करना उचित है वहाँ वैसा करो। उस व्यक्ति को ये महसूस करवाना चाहिए कि उसके स्वार्थ में स्वार्थान्वित हो, उसके दर्द में दर्द ही हो, उसकी थोड़ी सी सुख सुविधा और स्वच्छंदता का रास्ता बना देने पर तुम प्रफुल्लित हो जाते हो एवं यह जो तुम चाहते हो उसके पीछे तुम्हारा कोई हीन स्वार्थ प्रत्याशा या आत्म प्रतिष्ठा की नियत नहीं है। ऐसे भाव भूमि पर आधारित होकर तुम यदि एक प्यासा को एक गिलास पानी दो तो देखोगे कि वो पानी पीकर पानी की तरह उसका प्राण पानी बन जाएगा। तुम्हारा हाव भाव चलन उसको मुक्त कर दे। मनुष्य को किडनैप या हरण करते सुना नहीं, याजन है किडनैपिंग द सोल ऑफ मैन फॉर गॉड बाय ऑटो इनिशिएटिव इंक्विसिटिव लव एंड सर्विस। स्वतः दायित्वपूर्ण अनुसंधिष्चु प्रीति वो सेवा की सहायता से मनुष्य की आत्मा को भगवान के लिए अपहरण करना। मनुष्य दूसरे को सिंसियरली या अकपट भाव से प्रेम करने के लिए प्रस्तुत रहे या न रहे, पर दूसरे के सिंसियर या अकपट प्रेम को एंजॉय या उपभोग करना नहीं चाहते हो, ऐसे लोग तो नज़र नहीं आते हैं। पर सेल्फिशली या स्वार्थ भाव से दूसरे के प्रेम को सुजग लेने में मनुष्य का कोई सात्विक कल्याण नहीं होता है, बल्कि मनुष्य का कल्याण होता है दूसरे के सेल्फलेस या निस्वार्थ भाव से प्रेम करने में। जो खूब सेल्फिश या स्वार्थी है उसके अंदर भी सेल्फलेस या निस्वार्थ प्रेम का एक सीड या बीज लैटेंट या सुप्त रहता है, क्योंकि यही है मनुष्य की बींग या सत्ता। इसलिए आइडियल सेंट्रिक या इष्ट केंद्रिक सेल्फलेस लव या निस्वार्थ प्रेम के संस्पर्श में मनुष्य जितना आता है उतना ही अच्छा है। उसका सुअवसर लेते लेते कभी यदि उस मनुष्य के प्रति प्रेम पैदा हो जाए तो उस समय वो उसके कैरेक्टर में इम्बाइब या आत्मस्थ करेगा। प्रेम या श्रद्धा के द्वारा जो इम्बाइब या आत्मीकृत होता है वही मनुष्य का कैरेक्टर होता है। इसलिए जाजन एकमात्र लविंग या प्रीतिमय और लवेबल प्रेम पाने योग्य होना चाहिए। उससे प्रेम करते हुए मनुष्य की श्रेय गति जिससे अविराम हो उसके लिए उससे आइडियल या आदर्श में एक्टिवली लिगेट या सक्रिय भाव से युक्त होना चाहिए। अन्यथा ये सद्गुण भी अपने और दूसरे के बिकमिंग या विवर्धन के रास्ते का जंजाल बनकर सामने खड़ा हो जाता है। माया के कारगर में मनुष्य को बंद करके रखता है। माया का अर्थ है जो मनुष्य को सीमावद्ध किए है, सीमा को पार कर विस्तार के पथ पर आगे बढ़ने नहीं देता। जय गुरु। आलोचना प्रसंग भाग 4 पेज नंबर 154-155 से संग्रहित।